ना किसी का रिप्लाई करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, और भाई साहब फोन तो इनके पास है ही नहीं। ऐसा है कि हाथी के जो दांत होते हैं ना वो खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। अभी ये शूटिंग कहाँ पे करी इस गाने की? दुनिया करती होड़ी ना होवे ऐसा जलवा ठाकुरों का, घर के लिए। और अभी थोड़े ही आगे उनका गांव पड़ेगा, वहां से हम राइट टर्न लेके और हम आज उनसे उनकी अपकमिंग सॉन्ग के लिए कुछ चर्चा करेंगे और उनसे कुछ डिस्कस करेंगे कि यार क्या चल रहा है यूट्यूब की दुनिया में, एंड देन ये सारी चीजें मिलेंगे अभी आपको इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। ये आ गए हम डी के भाई के गाँव, ये उनके गाँव का बोर्ड है और ये उनके गाँव का है रास्ता। हाँ जी, तो आज मैंने रॉबिन माइंड यूट्यूब चैनल के ऑनर रॉबिन भैया को कर लिया किडनैप। अब मैं उन्हें अपने जादू से बुलाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए। तो आज इनको मैंने अपने घर पे अपने रूम के अंदर बंद कर दिया है चारों तरफ से। आप देखो सौ बंद, ये देखो हैक करने वाली बात मत करो, लोग परेशान हो जाएंगे अगर डीके भाई ने कर लिए, क्योंकि यहाँ पे इतने बढ़िया प्यारे प्यारे सॉन्ग आने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑडियंस तुम्हारी खुश हो जाएगी। तो रॉबिन भैया आए हुए हैं आज घर पे करने के लिए कुछ बातें। अब हम लोग जो भी बातें करेंगे, जो भी डिस्कस करेंगे, वो होगा आप सभी के बीच में, आप सभी के सामने यूट्यूब चैनल रॉबिन माइंड पे। तो सबसे पहले इसको कर लो आप लोग सब्सक्राइब और फिर अब पता नहीं क्या क्या ये पूछेंगे। और मिलते हैं अपनी रेड फरारी में। फरारी? ओहो, अच्छा गाड़ी में। चलो तो गाड़ी में चलते हैं यहाँ से। और गाड़ी में चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो पूरी देखने तो गाइस सब मिलते हैं सीधा गाड़ी के अंदर। ये तो अब हम चलते हैं अंदर और उसके बाद करेंगे इसी में बातें। तो किधर चलें? चलना क्या है? चलो आज इनको मैं घुमाता हूँ पहले अपना गांव, फिर गांव में ही कहीं बढ़िया से जगह लगाएंगे हम गाड़ी और फिर वहीं पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल एसी ऑन करो, गर्मी 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 ओके गर्मी ओके 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 गर्मी गर्मी बहुत है भाई। गाड़ी स्टार्ट हो गई बाबूजी, गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये लो ठंडा यहां पर लो। एसी कर दिया ऑन और ये। तो गाइस ये वीडियो देखना लास्ट तक आप लोग जरूर, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि जो मेरा नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है 23 जुलाई दोपहर 3 बजे यूट्यूब चैनल डी के ठाकुर पर भोले के दो हिट टू। तो भोले के दो हिट टू मैंने क्यों करा, उसको करने का रीज़न क्या था और उसकी वीडियो शूट पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम आई, हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ मेरे बारे में भी आप लोग ज़रूर जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत सारा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। और मुझसे जुड़े सवाल रॉबिन भाई करेंगे, जिनका आंसर देगा आपका भाई डी के ठाकुर। हाँ भाई, अब देखो क्या है कि डीके भाई हमारे पास आ चुके हैं और गाड़ी में लाने का रीज़न ये है कि यार देखो इनके पास घर पे बहुत सारे लोग आ रहे थे, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं क्योंकि अपकमिंग सॉन्ग आने वाला है। तो हमने सोचा कि यार क्यों ना पुराने वाले स्वैग में आते हैं, जैसे पहले गाड़ी में एक इंटरव्यू शूट करा था या कुछ एक व्लॉग मानो। तो हमने बोला कि यार आओ गाड़ी में बैठते हैं और थोड़ा आपके गाँव को भी भ्रमण कर लेंगे, और आपके आवाज़ को तो हमने देख ही लिया है और कुछ क्वेश्चन और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो मैं इनकी इस तरह के कुछ क्वेश्चन आप गाड़ी में बैठ के करते हैं, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि यहाँ पर इस तरह का कोई लोग नहीं आएंगे मिलने के लिए। तो अभी हम इनको अपनी गाड़ी में लेके आ गए हैं, लाल फरारी में बैठा के अब इंटरव्यू करेंगे इनका, इनके बारे में, इस सॉन्ग के बारे में। शूटिंग कहाँ पर करी इस गाने की? और मतलब क्योंकि कोविड के टाइम पर शूटिंग का बहुत ज़्यादा इशूज़ है, मतलब तो फिर कहाँ पर सारी चीज़ें रही इसका? ऐसा था कि जब हमने इसको पिछले गाने को जो हमने शूट करा था तो उस डैम पे लॉकडाउन था, लेकिन लगभग खुल चुका था लॉकडाउन। तो हमने उस गाने को शूट करा था हरिद्वार, नीलकंठ और ऋषिकेश में। अच्छा, तो उससे पहले मेरे कई भोले के गाने वो भी ऋषिकेश में ऑलरेडी मैं शूट करता था पहले भी। इस बार सोचा कि यार जब हम इस गाने का सेकंड वर्जन ला रहे हैं तो लोकेशन और भी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल और हटके देना है। तो हम पिछला गाना ऑलरेडी ऋषिकेश में शूट कर चुके थे हरिद्वार में, तो हमारे पास वही चीज़ें थी।
इस बार वो नहीं दिखानी थी हमें। सेम लोकेशन क्यों दिखा? सेम लोकेशन, तो इस बार एक तो लॉकडाउन था और लॉकडाउन में उत्तराखंड में तो एंट्री भी बहुत बड़ी बात होती है, इस टाइम पे तो एंट्री भी नहीं हो रही थी। तो हमने अपने कोरोना टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट ली, फिर वहाँ पे रुड़की से पहले नाका पोस्ट है एक, वहाँ से हमने जो है आपका पास बनवाए। पास बनवाने के बाद में हम सीधा निकले केदारनाथ। ओके। रास्ते में पुलिस जगह जगह रोकती, नुक जी कोरोना टेस्ट दिखाओ, रिपोर्ट दिखाओ, बार बार उनको चेक कराओ, परमिशन दिखाओ, परमिशन दिखाओ। जब केदारनाथ हम लोग पहुंचे, वहां पे जाके पता चला कि केदारनाथ कल ही बंद करा गया है। मतलब जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे एंट्री नहीं। मन की जी हम तो बहुत दूर से आए यार, कि यार कल ही बंद करा है, आपकी एंट्री नहीं हो सकती। वहां लोकलों से मिले, मन की भाई यार ऐसे ऐसे बात है और हमने गाना करना है यार, और कैसे करें। फिर वहीं पर किसी ने हमें बताया कि आप पास में ही एक जगह पड़ती है चोपटा। अच्छा। चोपटा में मंदिर है तुंगनाथ मंदिर, और रोबिन भाई वो मंदिर दुनिया की सबसे ऊंची हाइट का मंदिर वही है। अच्छा। आप गूगल पे भी अगर सर्च करोगे सबसे ऊंची हाइट वाला मंदिर तो तुंगनाथ मंदिर ही निकल आएगा। हमने वहां पे चढ़ाई करी और इतनी ठंड वहां पे, इतनी ठंड, हमने सूट तो करा गाना पर हकीकत यह कि हम 11 बंदों की टीम थी, 11 बंदों में से 4 से 5 ऐसे बंदे थे जो नहाए ही नहीं। अच्छा। इतनी ठंड थी वहां पे, तो हमने भी उल्टा सीधा पानी डाला यार, जैकेट वैकेट डाली और फिर खड़ी चढ़ाई। हकीकत यह है कि दो बार तो मैं गिरा था, मेरा पैड स्लिप, मेरे कपड़े अपड़े पूरे सन गए, सूट चल रहा था। तो वहां पे ना घोड़े टाइप थे जिनसे लोग ऊपर चढ़ के जाते हैं। ओके। वो घूम रहे थे हरियाली में, तो मैं कैमरामैन से बोला, मैंने कि यार ये सीन लेना है हमने। तो जब मैं उनके पास भाग के गया, वो ढलान थी और मेरा पैर इतना ऐसे फिसला, वहाँ पे पूरी घास जो है पानी में थी, ओस पड़ी हुई थी क्योंकि वहाँ पे सेकंडों में बारिश आ रही थी, जा रही थी, बादल ही बादल चारों तरफ, पीछे से मेरे सारे कपड़े से मिट्टी में हो गए। फिर फ्रंट फ्रंट से हमने सूट करा, मैंने शुक्र है ये क्लिप सूट नहीं हुई। और हम 11 लोग थे जिसमें मेरे कैमरामैन वाले भाई सुनील राठौर, मेरे साथ मेरा दोस्त था, मेरा भाई भी है वो अमर राजपूत। और अमर राजपूत का एक्चुअली मतलब हमने दो गाने शूट करे हैं, एक तो बोले के दोहे, एक केदारनाथ। अच्छा। तो वो गाना अमर राजपूत भाई के लिए लिखा था मैंने, गाया है, और अमर राजपूत भाई के ही चैनल पे आएगा वो। तो दो गाने के शूट के लिए हम 11 लोग थे। ओके। अब 11 लोग 5 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई, दो रह जाए तो फिर उनके लिए रुको, अरे यार उनको भी आने दो, उनको भी साथ में लेना है, उनको भी साथ में लेना है। तो प्रॉब्लम तो होती है सर, आप सारी चीजें जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये है कि जब बाबा का आशीर्वाद था तो कोई दिक्कत नहीं हुई ज्यादा, हमने अच्छे से शूट करा। और बाकी इतना जरूर है कि सर 2 से 3 दिन मुझे लौटने के बाद में होश नहीं था, मैं पड़ा खाऊं। अरे बिल्कुल। देखो अभी क्या ना, जैसे कोई वीडियो बना रहे हैं, अभी हम फिलहाल अभी इस वीडियो को बना रहे हैं, तो हर चीज़ में ना मेहनत लगती है, चाहे हम एक प्यारा सा शूट करने जाएं, बहुत अच्छी वीडियो होती है तो उसके पीछे बहुत सारी टीम होती है, मेहनत होती है, या हम भी कहीं पे ट्रिप पे घूमते हैं। सर मैं एक बात जानता हूँ रोबिन भाई, लोग कह देते हैं कि अरे यार क्या ये हटा इसको, ये मजा नहीं आया। मैं इतना जानता हूँ कोई भी कलाकार जब अपने आप को प्रेजेंट करता है तो उसके लिए वो बहुत सारी मेहनत करता है। हमको पता है कि हम कैसे कैसे गाने कहाँ से शब्द कलेक्ट करके गाना लिखते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम लोग, फिर उसकी वीडियो शूट के लिए कितना खर्चा आता है, कितनी परमिशन लेनी पड़ती है, कैसे कैसे करके हमें शूट करना पड़ता है। फाइनल आता है एडिटिंग वाला दिन, जब एडिटिंग पर साथ में बैठना पड़ता है, स्क्रीन पर नज़रें गड़ा के एक एक सीन को याद करना पड़ता है, वो सीन लगवाए जाते हैं। और जिस दिन गाना रिलीज होता है उस दिन दिल की धड़कन है, मैं ये कहता हूँ रोटी भी अच्छी नहीं लगती कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, मेरी मेहनत का क्या रिस्पांस आएगा। हाँ, मेहनत तो कोई भी काम कर लो, मेहनत तो हर चीज में लगती है, और लोग जितनी ज्यादा मेहनत अपने काम में करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। अभी क्या देखो, अभी जैसे ये गाना आ गया, अब कौन सा गाना आएगा इसके बाद अपकमिंग? सर मैं 2 गानों को माइंड में लेके बैठा हूँ, और एक गाना है एक्चुअली, वो गाना मेरा नहीं है। अच्छा। वो गाना पाकिस्तान से किसी सिंगर का गाना है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ के गा रहा होता उसको, मुझे वो गाने की लाइनें बड़ी पसंद है सर। ओके। पूरा गाना तो मेरी समझ में आज तक वो आया नहीं। हाँ। तो या तो मैं सोच रहा हूँ कि उस गाने को रिमेक बनाऊँ उसका, मैं मुझे पता नहीं क्यों वो गाना बहुत फेवरेट गाना है मेरा, मैं गाता रहता हूँ उसको, तो सोच रहा हूँ या तो उसको रिमेक करूँ मैं, या मेरे राजपूती दोहे में एक लाइन थी, मम्मी मेरा ब्याह करवा दे रही है ठाकुर के छोरा था, तो यह सोच रहा हूँ सर उस गाने को कंप्लीट करूँ, दोनों में से कोई भी है। लेकिन अभी जो फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ
वो इसी पे कि मम्मी मेरा ब्याह करवा दे रही है ठाकुर के छोरा था। अच्छा ओके। अच्छा ये तो बता, देखो यहाँ पे बैठ गए यार सिंगर साहब साइड में बैठे हैं और कोई गाना ना चले तो फिर का फायदा रहे। तो यार एक बढ़िया सा सॉन्ग, चाहे आप ये बोले कि दोहे वाले में से एक बढ़िया सी लाइन, और उसके बाद लोगों की देखो ठाकुर का ले जाए। तो लिस्ट लंबी हो चुकी है, पहले कुछ 4-5 गानों की लिस्ट थी, अब जब आते हैं ना ऑनलाइन तो लिस्ट लंबी हो जाती है कि नहीं भैया। चलो सर मैं कमिंग सून वाले में से एक लाइन सुनाता हूँ आपको बोले के दोहे में से। हेरे भोले बाबा तेरे दर पे जोड़ू हाथ में, भोले बाबा तेरे दर पे अरे जोड़ू हाथ में। अभी डीके भाई एक बात और बताओ, क्योंकि लोग कमेंट्स कर रहे कि अभी डीके भाई मर्सिडीज या BMW भी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं क्या, अभी और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि कह रहे हैं लोग यार एक एक गाने से 10-10 लाखों की कमाई हो रही है, तगड़ी सारी चीजें हैं। कि आखिरकार भाई YouTube पे भी लोग ना इस चीज के लिए करते भी हैं, क्योंकि नहीं लोगों को एक एक करोड़ की कमाई हो रही है तो इसलिए YouTube पे भी जा रहे हैं। तो अभी डीके भाई कितना करोड़ का और कितना असला रख रखा है? अब ये ऐसा है कि हाथी के जो दांत होते हैं ना वो खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। अच्छा, तो ये तो लोगों की सोच पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं कि कितना कमा रहा कितना नहीं कमा रहा। तो मतलब लेकिन कहावतों को तुम अब लगा के अपनी चीजों को छुपा रहे, मतलब कोई भी यूट्यूबर अगर उससे ये क्वेश्चन करा जाए ना तो कुछ इस तरह के कमेंट्स आते हैं, क्योंकि भाई रियलिटी में तो कोई बताता है नहीं कि क्या कमा रहे क्या चीज़ है। पर ये होता है कि देखो डे भाई, अब तो पहले गाने हमें एक महीने में 2 मिलते थे, अब तो हर हफ्ते एक मिलता है और प्रोग्रेस भी तगड़ी चल रही है। देखो ऐसा है कि मैं बताऊँ, पेमेंट यूट्यूब ज़्यादा कोई खास तो दे नहीं रहा अभी, क्योंकि सब्सक्राइबर भी इतने ज़्यादा कोई खास नहीं है, और दूसरी चीज़ गाने भी अभी महीने में एक गाना आता है। फिर होता क्या है कि उसमें भी जिस कंपनी से मैं जुड़ा हुआ हूँ जो मुझे हैंडल कर रही है 30% वो कंपनी काटती है। अच्छा जी। 30 कटने के बाद में मुझे बढ़ता है 70%, 70 में भी 3% जाता है US से टैक्स, मुझे कितना बचा $67 वो 67% 67% अंग्रेजी में 67%। उसके बाद में भी 2% इंडिया का ये GST पता नहीं क्या है ये कटता है, तो मुझे 65% मुझे मिलता है। अब लगाओ क्या मिल रहा है, और गानों का बजट 50,000-60,000 तक पहुंच जाता है। नहीं वो ये बात तो ठीक है, पर क्या करें ना, जो लोग प्यार के भूखे होते हैं उनके लिए पैसा का कोई मोल नहीं होता। ये तो बस ये कि लोगों से जुड़े हो, हाँ लोगों का प्यार मिल रहा है सारी चीजें पर। देखो एक चीज की नाराजगी तो हमारी भी है। क्या भाई? देखो तुम इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाते हो, फेसबुक आ जाते, हम तो कमेंट्स कर देते ना, तो हाँ ठीक है रॉबिन भैया राम राम, ये हमारा नीचे का कमेंट्स ही नहीं पढ़ा जाता। चलो नाम पढ़ लिया वो भी ठीक है, भाई साहब लोगों की ये होती है अरे डीके भाई तो आजकल तो हो गए हाईफाई, अब सीधे मिलेंगे नहीं, एक चॉपर लेकर आना पड़ेगा तब मुलाकात होगी, ना किसी का रिप्लाई करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, और भाई साहब फ़ोन तो इनके पास है ही नहीं, समझो कि गवर्नमेंट ने इनको फ़ोन नंबर दे रखे हैं, लग नहीं सकता है। तो भाई ये भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है आपके पास। ऐसा कुछ नहीं है, जिन ये सारी चीज़ें मैं भी फील करता हूँ, लेकिन मैं आप सभी को बताऊँ ऐसा है रोहन भाई, एक तो जब मैं लाइव आता हूँ तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, जो कमेंट जल्दी से मैं पढ़ पाता हूँ उनका रिप्लाई कर पाता हूँ, एक कमेंट पढ़ा उसका रिप्लाई करते हुए इतने बहुत सारे कमेंट ऊपर निकल जाते हैं, एक कमेंटों की तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात रही मैसेज रिप्लाई या व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई या कॉल अटेंड ना करने की, तो ये मेरा फ़ोन मैं सबसे पहले स्क्रीन पर ही लोगों को दिखा देता हूँ ब्राइटनेस ऑन करके, ये मेरा फ़ोन है, ये व्हाट्सएप, रोबिन भाई 949 लोगों की चैट है। नहीं ये तो है देखो आदमी और करने भी बैठे, ये मैंने 16 तारीख को डिलीट करके दोबारा से इंस्टॉल किया था व्हाट्सएप। अच्छा। और 16 से सर आज कितनी है, आज हो गई 17 एक महीना एक दिन हुआ, एक महीना एक दिन में ये देखो मेरे मैसेज व्हाट्सएप पे, जिसमें कोई भी ग्रुप नहीं है सर, अब बताओ कि मैं किसका रिप्लाई करूं, कहां तक करूं, किस किस की कॉल उठाऊं। दूसरी बात, कॉल ना उठाने का मैसेज का रिप्लाई ना करने का कारण एक है, मैं सिंपल बताता हूं आजकल चल क्या रहा है। एक तो सर लोग फालतू की कॉल करते हैं, बंदा काम कर रहा है, बंदा किस कंडीशन में या क्या पता नहीं, लोग फ़ोन मिलाते हैं, बहुत सारी कॉल आती हैं सर उल्टी सीधी,
अदर कास्ट के लोग फोन करते हैं ज्यादातर कि तू ऐसे गाने मत बना, वो मत कर, ये मत कर, जो लोग ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने वालों की कॉलें आती हैं जो दिमाग खराब करते हैं। दूसरा, लोग शाम के टाइम ज्यादा परेशान करते हैं कि पी खा ली, दोस्तों में बैठे सीधा फोन लगा दिया, गाना चल रहा है कहीं पे भी सीधा फोन लगा दिया, गाना रिलीज हुआ सीधा मेरे पास कॉल लगा दी, फिर ही बैठे वीडियो कॉल ही लगा दी। तो सर लोग करते हैं परेशान, यही कारण है कि नंबर की मैंने इनकमिंग बंद करा रखी है। और मैसेज सर इतने सारे मैसेज आते हैं, आपको सोचो मैं कहाँ तक किसका रिप्लाई करूँ किसका। ठीक है ना, जब आदमी ना फैन फॉलोइंग बढ़ती है, फेम बढ़ता है, तो उसके पीछे ना कुछ लोग भी बढ़ जाते हैं जिसको हेटर्स बोलते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए वीडियो पे गालियाँ देते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे भी मिल जाते हैं, लाइव पे भी मिल जाते हैं, ऐसी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे फेस करते हो? मैं ऐसे लोगों को फेस करने के लिए कुछ नहीं करता, मैं हंसता हूँ। अच्छा। जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, एक्चुअली में क्या होता है कि मैं जैसे बहुत सारे मेरे पास ऑडियोज आती हैं, या कुछ लोग छुपके से वीडियो भी बना लेते हैं, या कमेंट भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लोग मुझे मिल भी जाते हैं फेस टू फेस भी। तो जो लोग मुझे महसूस होता है कि हाँ ये बंदा मेरे बारे में ऐसा सोचता है या कहता है या बोल रहा है, चाहे उसे जलन लगा लो या कुछ भी कह सकते हैं हम, तो ऐसे लोगों के लिए तो मैं सर एक ही बात कहूँगा कि मैंने मेहनत करी है और मैं उस लेवल से उठ के चलाऊँ कि जहाँ से लोग सोच भी नहीं सकते, और एक जीरो से लेके और 5 लाख तक का जो सफ़र मैंने तय करा है उसके लिए मैंने बहुत कुछ पाया भी है और बहुत कुछ खोया भी है। पाने का पता नहीं, लेकिन मैंने बचपन खोया, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं मिला, भाइयों का प्यार नहीं मिला, फैमिली का, रिश्तेदारी का, कोई खेल कूद नहीं, कोई हंसी, मतलब कुछ नहीं मिला मुझे। मैंने जब 10वीं करी, जब से एक ही सपना था मेरा कि मैंने कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है, और इस बड़ा करने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, परिवार, घर, क्योंकि सपने पूरे करने थे। तो उन लोगों से एक ही बात कहूँगा कि जलो मत, बराबरी करो यार, तुम गालियाँ दे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मेहनत मेरे साथ है, मेरे सपोर्टर मेरे साथ हैं, मेरा भगवान मेरे साथ है, और मेरे अपनों की दुआएं मेरे साथ हैं। आप खूब गालियाँ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो को हम और आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि नेक्स्ट फिर कभी भाई के साथ बैठ के ना और सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे देखो 23 तारीख को भाई का सॉन्ग है, अपना ऐसा प्यार बरसाने का, लाइक करने का, प्यारे प्यारे उस पर कमेंट्स करने का, क्योंकि भोलेनाथ का है। अगर नहीं आया तो सुबह को खाट के नीचे कौन आएगा? भोलेनाथ, भोलेनाथ। तो इसलिए हाँ, तो वो बच के रहे, तो इसलिए जब आए पूरा प्यार दो और वीडियो को शेयर करो, और इस वीडियो को भी शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, क्योंकि शुभ हो आपका दिन, साथ है रॉबिन और डीके भाई। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रॉबिन माइंड इस यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसकी लिंक शेयर करें, और जब ये वीडियो आएगी तो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम स्वाइप, व्हाट्सएप स्वाइप, फेसबुक पे स्वाइप, व्हाट्सएप स्टोरी, सभी जगह मैं भी शेयर करूंगा, आप लोग भी इसी तरीके से शेयर करना, देखना। और 23 तारीख को दोपहर 3 बजे यूट्यूब चैनल डीके ठाकुर पे देखना मत भूलिएगा, भोले के दोहे 2। प्यार देना है, सपोर्ट करना है, और एक बार फिर रॉबिन माइंड यूट्यूब चैनल को कर लो सब्सक्राइब।